हम विपरीत लिंग आकर्षण से कैसे बचें? इस सवाल से पहले एक सवाल है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण क्यों होता है? जब हम छोटे होते हैं, 7 या 8 साल के, तब आपको कोई आकर्षण नहीं होता। किसी के शरीर के उभार आपको बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करते। जैसे ही आपकी उम्र बढ़ती है, आप त्वचा का गोरापन और शरीर के उभारों को एकदम टक लगाकर देखने लगते हैं, जैसे ये कोई विचित्र या विलक्षण चीज हो। इसका जिम्मेदार आपके भीतर ही उत्पन्न हुए कुछ केमिकल्स या हार्मोन हैं। ये हार्मोन्स आपके नजरिए को पूरी तरह से बदल सकते हैं। जब आप इन हार्मोन्स को काबू नहीं कर पाते हैं, तब बार बार विपरीत लिंग के तरफ आप आकर्षित होते हैं। ये हार्मोन्स आपके विचारों तथा शरीर के कुछ ऊर्जाओं के द्वारा ही गतिविधि करते हैं। आप अपनी जीवन ऊर्जा को किसी अन्य कार्य में लगाएं, जैसे कि अपने कैरियर के लिए, इसके अलावा समाज की भलाई के लिए इत्यादि। ऐसा करने से आपके भीतर के ये हार्मोन संतुलित रहेंगे और बेवजह गतिविधि नहीं करेंगे। इसके अलावा आपको अपने विचारों की दिशा भी बदलनी चाहिए। इसके लिए आप ध्यान करने के साथ साथ अपने कार्यों को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए मन ही मन प्लानिंग करते रहे। साथ ही इस बात को समझे कि हर शरीर मांस और हड्डियों का ढांचा है, जिस पर त्वचा का लेप लगा दिया है। अगर इसे को हटा दी जाए, तब शायद आप इसी शरीर पर आंखें भी टिका नहीं पाएंगे। इसके अलावा अगर आप पुरुष हैं, तो जो सबसे अहम बात है वो यह है कि उस शरीर में वही अंग हैं जिसमें से आप जन्म लेकर बाहर आए हैं, वही अंग हैं जिनसे दूध पीकर आप बड़े हुए हैं। फिर किस बात का आकर्षण? क्या ये शारीरिक संरचना आपके लिए भी बिल्कुल ही सामान्य नहीं है? आप उन अंगों को बिल्कुल करीब से महसूस कर चुके हैं। अब अगर कुछ बदला है, तो बस ये कि कुछ हार्मोन्स आपके भीतर आ गए हैं और दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने विचारों की दिशा उन कार्यों की तरफ मोड़ दे जिस कार्य को करने की आपके जीवन में आवश्यकता है। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा मैं आपको आकर्षण के लिए समझा पाऊंगा। यदि आपको बातें सही लगी हो, तो मैं बस एक लाइक चाहता हूं। यदि आप इन बातों से सहमत है, तो यस कमेंट करें और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।